हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है संध्या। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी, एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग मेरा वीडियो देखते हो बट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो प्लीज़ कर दो। सो मूविंग ऑन, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं मॉर्टल के बारे में। तो मॉर्टल ने रिसेंटली अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था बाय द टाइटल हाउ मच डू आई अर्न गूगलिंग माई सेल्फ गुड बाय 2020 हैप्पी न्यू ईयर। सो इस वीडियो में बेसिकली उन्होंने अपने आप को गूगल किया, अपने आप से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे कि कहाँ तक गूगल एग्जैक्ट करेक्ट आंसर देता है, सो आप खुद ही देख लीजिए। मॉर्टल्स इनकम अकॉर्डिंग टू सोशल ब्लेड, मॉर्टल रिसीव्ड अराउंड 37 मिलियन व्यूज ऑन हिज यूट्यूब चैनल इन द लास्ट 30 डेज। His estimate monthly earning are about $9.4K to $1,50,000 and his estimated yearly income is earning is $113K to $1.8 million. ये social blade का मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा बोला है इन्होंने, $9.4K भी ज़्यादा है, मंथली इनकम उससे थोड़ा कम रहता है। उसके आगे सिर्फ एक पॉसिबिलिटी रहती है बेस्ड ऑन तुम्हारा हाईएस्ट वीडियो अर्निंग वीडियो अगर कंसिस्टेंटली चलता रहे तो मुझे वो मिलता है। ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट पॉसिबल, $9.4K से भी कम होता है मेरा, दैट इज़ प्रिटी ऑब्वियस। और अभी तो खैर पबजी बैन के बाद और ज़्यादा कम है। मॉर्टल्स नेटवर्थ करके देखते हैं, ठीक है आइए। प्रोफेशन ई स्पोर्ट प्लेयर स्लैश गेमर स्लैश यूट्यूबर स्लैश लाइव स्ट्रीमर। नेटवर्थ इन 2020 इज $3.2 million। नेटवर्थ इन इंडियन रुपीज इज 23 crore INR। पर मैच इनकम 4000+। ओके, मेरे को इसका इतना नॉलेज नहीं है वाई इज माई नेटवर्थ $3.2 million, बट इफ़ आपको कमेंट सेक्शन में इसके बारे में कुछ बताना है आप बता सकते हो। आई डोंट रियली हैव, मतलब 23 crore INR मतलब क्या, मेरे को खरीदने का पैसा है क्या ये? आई डोंट नो, आई डोंट थिंक सो दैट्स। वैसे हाँ, अगर मतलब 23 crore देगा कोई तो हेलो। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है मुनावर फारूकी के बारे में। अगर आप सबको नहीं पता कि वो कौन है, वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है एंड यूट्यूब पे भी उनका चैनल है जिसमें उनके 5 lakh से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है। एंड रिसेंटली क्या हुआ था, इंदौर में एक शो था उनका एंड उन्होंने कुछ हिंदू भगवान से रिलेटेड सेंसिटिव बोल दिया था जिसके कारण ऑडियंस को गुस्सा आ गया था। एंड जब उनका शो ख़त्म हुआ तो ऑडियंस ने उन्हें जमकर पीटा एंड उनको पुलिस के पास भी लेके गए जहां पर पुलिस ने उन्हें अरेस्ट भी कर लिया। नेक्स्ट जो अपडेट है वो है यूट्यूब के बारे में। यूट्यूब ने रिसेंटली न्यू अपडेट लॉन्च किया है कि अगर किसी के भी 1000+ सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो उनको चैनल मेंबरशिप का फीचर मिलेगा। दैट मींस वो ज्वाइन वाला बटन जो है वो उनके चैनल पे ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट जो अपडेट है वो है हिंदुस्तानी भाव के बारे में। हम सबको पता है कि रिसेंटली हिंदुस्तानी भाव एंड एकता कपूर के बीच कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी। एकता कपूर ने अपने जो वेब सीरीज़ है उसमें इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म से रिलेटेड कुछ डिसरिस्पेक्टफुल डाला था एंड उसी के रिगार्डिंग हिंदुस्तानी भाव ने उन पर केस भी फाइल किया था। एंड उसी के रिगार्डिंग हिंदुस्तानी भाव ने रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर ये पोस्ट डाली थी कि एकता कबूतर को कैसा छोड़ दिया भाव ने, आज तक कुछ बोला नहीं। तो जो 6-7 महीने से जो कोविड के वजह से सारे कोर्ट्स बंद थे तो अभी कोर्ट खुल गए जिसके वजह से आज मेरा वेरिफिकेशन है। एकता कपूर के खिलाफ मैंने जो कोर्ट में अपील किया है कि उसको सजा होनी चाहिए जो उसने हमारे आर्मी का और उनके फैमिली का जो अपमान किया है, यूनिफॉर्म का अपमान किया है, उसके लिए आज मैं कोर्ट में आया हूँ। देखते हैं अभी क्या होता है आगे, पीछा तो नहीं छोड़ूंगा। जिसने ये सोचा था ना कि लगता है भाऊ इसलिए चुप है, भाऊ को नोट पहुंच गई है, मेरे आर्मी और उनके फैमिली से बढ़कर पैसा नहीं है, समझा गया। अभी आया हूँ कोर्ट में, छोड़ने का नहीं ऐसे लोगों को, उनको क्या लगा
इनका पीछा छोड़ देंगे अपन, नहीं घसीटूंगा इसको पक्का। नेक्स्ट जो अपडेट है वो है संदीप महेश्वरी ने रिसेंटली अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था माय लास्ट व्लॉग करके। सो वो लास्ट व्लॉग ऐसा लाइन उन्होंने क्यों यूज किया आप खुद ही सुन लीजिए। आज मैं अपना लास्ट ब्लॉग शूट करने वाला हूं क्योंकि पहले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था अपना ऑफिस स्पेस, दूसरे में दिखाया था अपना सेटअप और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं अपना स्टूडियो। इसके अलावा जो कुछ भी है वो मेरी प्राइवेट लाइफ है और वो शेयर करने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो गाइस लास्ट जो अपडेट है वो ये है कि राहत फतेह अली खान का जो सॉन्ग था जरूरी था उसने क्रॉस कर लिया है 1 बिलियन व्यूज विच इज अ ग्रेट थिंग। सो बस यार आज के लिए इतना ही था, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।